हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। दुनिया है इस हफ्ते की सीरीज के माध्यम से यूपीएससी स्पेशल में, जो हमारी वीकली एवरी संडे को करंट अफेयर्स आती है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। समग्र विश्लेषण के साथ बात करेंगे, जिससे कि आपको पीटी में रिविजन के तौर पर लाभदायक बन सके। तो समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने पहले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहले करंट अफेयर्स क्या है उसकी बात करेंगे। इस सप्ताह की 6 टोटल मोस्ट करंट अफेयर्स होने वाले हैं, जिसकी हम पहले करंट अफेयर्स की बात करने यहाँ पे वाले हैं। पहले करंट अफेयर्स की बात करेंगे करी ईषद आम क्या है। पहली जो इस सप्ताह की पहली करंट अफेयर्स है उसकी बात करेंगे करी ईषद आम क्या है। तो करी ईषद आम की बात करें तो कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के अंकोला तालुक में, कहाँ पे, कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के अंकोला तालुक में उगाई जाने वाली करी ईषद आम की एक भौगोलिक प्रजाति है, जिसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। कौन सा प्रदान किया गया है? GI टैग इसको प्रदान किया गया है। कहाँ की है? कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले के अंकोला तालुक में। ये आम एक प्रकार है। करी ईषद आम पकने में अनूठी सुगंध, बेहतर स्वाद, अत्यधिक गूदे और आकार के कारण प्रसिद्ध है अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में जानकारी देखते हैं, नेक्स्ट जानकारी क्या है। तो ये फल बड़े और तिरछे अंडाकार होते हैं, जिसमें प्रत्येक पुष्पगुच्छ में सामान्यतः एक फल होता है। इसके गूदे का उपयोग 48 प्रकार के, कितना, 48 प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। अपने आप में बहुत विशिष्ट है, इसका प्रयोग 48 प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। इससे आप एक ही ईषद आम से इतने सारे व्यंजन बनाने के लिए लाभदायक होता है। करी ईषद आम अत्यधिक गूदेदार और मिठास के साथ पतले छिलके वाली आम की प्रजाति है, जबकि बिली ईषद का छिलका मोटा होने के साथ इसमें गूदे और मिठास की मात्रा कम होती है। ये दोनों ईषद आम की प्रजातियां हैं। तो आपको याद रखना है, करी ईषद आम और बिली ईषद आम ये आम की प्रजातियां हैं, और वो भी कर्नाटक से संबंधित है। इसको करी ईषद आम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, ये अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर आप एग्जाम में आए तो आप उसको हल भी कर सकते हैं। इस सप्ताह की हमारी दूसरी जो करंट अफेयर्स है उसकी बात करते हैं, तो हिमालय भूरा भालू कौन सा है। हिमालय भूरा भालू की बात करते हैं इस सप्ताह की दूसरी करंट अफेयर्स की बात। तो हिमालय भूरा भालू का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो उर्सस आर्कटोस इजाबेलिनस है। क्या है? उर्सस आर्कटोस इजाबेलिनस इसका वैज्ञानिक नाम है। यह हिमालय क्षेत्र का सबसे बड़ा स्तनधारी है। कौन सा? सबसे बड़ा स्तनधारी है हिमालय क्षेत्र का, जिसकी लंबाई लगभग 7 फुट तक होती है। कितना? 7 फुट तक होती है। यह मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के उत्तरी भागों के साथ साथ पश्चिमी चीन और नेपाल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में जानकारी देखते हैं, नेक्स्ट इसके बारे में जानकारी क्या है। तो IUCN की, किसकी? IUCN की कौन सी लिस्ट में है? लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकल इंजर्ड की श्रेणी में साइट्स की अनुसूची सेकेंड में शामिल किया गया है। दोनों दोनों सूचियां अलग अलग है, दोनों जारी अलग अलग करते हैं। IUCN की है ये क्रिटिकल इंजर्ड में, साथ में साइट्स की सूची होती है, किसकी होती है, अनुसूची सेकेंड में इसको शामिल किया गया है। वर्तमान हिमालय क्षेत्र में आवास विखंडन के कारण ये मानव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पलायन भी कर रहे हैं, इसलिए इसको संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है, क्योंकि इनके वर्तमान में हिमालय क्षेत्र में जो आवास है वो इनके विनाश हो चुके हैं, विनाश हो चुकी है। मानव आबादी वाले क्षेत्रों में ये जा रहे हैं, वहां की ओर पलायन कर रहे हैं। तो आपको हिमालय भूरा भालू भी आपको इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये IUCN की रेड लिस्ट की सूची में क्रिटिकल इंजर्ड में शामिल हो गया है। जो इस सप्ताह की वीकली जो करंट अफेयर्स रहेगी, 6 कुल खास होंगी, यही मैंने उठाई हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपके एग्जाम में आ सकती हैं, इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं पे बात कर रहे हैं। एसिनोबैक्टर बाउमानी इस सप्ताह की तीसरी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। एसिनेटोबैक्टर बाउमानी क्या है? तो वैज्ञानिकों ने एसिनेटोबैक्टर बाउमानी सुपर बग को मारने के लिए एवासिन नामक एंटीबायोटिक की खोज के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया गया है। किसके लिए? सुपर बग को मारने के लिए। कौन सी एंटीबायोटिक का? तो एबोसिन नामक बायोटिक का। नेक्स्ट बात करें तो एसिनोटोबैक्टर सामान्यतः मृदा और जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का एक समूह ही होता है। कौन सा? बैक्टीरिया का एक समूह ही होता है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया का एक समूह ही है एसिनोटोबैक्टर। ये कहाँ पाए जाते हैं? मृदा और जल में, मिट्टी में और पानी में, दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में और सारी बात करते हैं। तो मनुष्यों में अधिकांश संक्रमण के लिए एसिनोटोबैक्टर बाउमानी के लिए उत्तरदायी होता है। जो मनुष्यों में अधिकांश संक्रमण होते हैं वो यही इसीलिए उत्तरदायी होता है। यह रक्त, मूत्र मार्ग, फेफड़ों और घावों को संक्रमित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्राथमिकता वाले रोगजनों, इसमें किसने, WHO ने प्राथमिकता वाले रोगजनों की सूची में इसे मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मानव के लिए कितना ज्यादा इसमें खतरा मंडरा रहा है।
हमारे करंट अफेयर्स की इस सप्ताह की चौथी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो इस सप्ताह की चौथी है, बेलुगा व्हेल। अब अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है, व्हेल तो जानते हैं सब, लेकिन बेलुगा क्या होता है इसको भी जान लेते हैं अभी इस सप्ताह की। अगर आप लोगों ने चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल करने बटन वाली आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। बेलुगा व्हेल बेहद मिलनसार स्तनधारी होता है। कैसा होता है? जो बेलुगा व्हेल होती है वो मिलनसार, मतलब अपनापन होता है उसके अंदर, बहुत बड़ा स्तनधारी मिलनसार होता है, जो समूह में ही शिकार और पलायन करती है। जो समूह में जब होती है तभी शिकार और पलायन करती है। इसका उभरा हुआ सिर लचीला होता है और आकार बदलने में सक्षम होते हैं। कौन से आकार बदलने में? विभिन्न प्रकार की आवाज निकालने में सक्षम होने के कारण इन्हें समुद्र की कैनरी भी कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार की आवाज निकाल लेते हैं, जैसे मान लो इनमें लगता है कि इनको मतलब खतरा हो रहा है, तो ये विभिन्न प्रकार की आवाज निकालेंगे जिससे कि इनकी प्रजातियों में और भी संचार हो सके। तो इसलिए ये आवाज निकालने में विभिन्न प्रकार की सक्षम है, तो इसलिए समुद्र की कैनरी भी इन्हें कहा जाता है। ये इनका उपयोग अपने समूह में संचार के लिए करते हैं। मतलब मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ये आवाज को अपने लिए क्या करते हैं, समूह में संचार इकट्ठा कम्युनिकेशन बात करने के लिए करते हैं इन सभी आवाजों का प्रयोग। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। बेलुगा व्हेल विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियों के साथ ही झींगा, केकड़े और मोलस्क को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। किसको? झींगा को, केकड़े को, मोलस्क को आहार के रूप में, मतलब ये खाने के रूप में ग्रहण करते हैं। IUCN की लाल सूची में इन्हें निकट संकटग्रस्त में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, रूस पर इस व्हेल प्रजाति के माध्यम से विभिन्न देशों में जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। नार्वे ने इसे हाल्डिमिर नाम दिया है। किसे? नार्वे ने इसे क्या नाम दिया है? हाल्डिमिर नाम दिया गया है। लेकिन रूस के द्वारा इस बेलुगा व्हेल प्रजाति को विभिन्न देशों में जासूसी के लिए आरोप लगाया गया है कि रूस ऐसा करता है, इन जासूसी करवाता है इन बेलुगा व्हेल से। नार्वे ने इसी बेलुगा व्हेल को हाल्डिमिर नाम दिया हुआ है। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कन्फ्रेंस रहती है, आप लोग उम्मीद है देख ही रहे होंगे। और आज की हमारी इस सप्ताह की पांचवी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। बोल्ट टाइफून क्या है? बोल्ट टाइफून की बात करें, बोल्ट टाइफून एक कथित हैकिंग समूह है। कौन सा समूह है? हैकिंग समूह है, जिसे चीन द्वारा समर्थित माना जाता है, और इस समूह में खुफिया जानकारी एकत्र करने और डिजिटल क्षति पहुंचाने के लिए क्षमता प्रदान की जाती है। इस संगठन पर मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका USA में सेना या सरकार से संबंधित संगठनों की जानकारी चोरी करने का आरोप है। आप देख सकते हैं नाम से तो कुछ और नजर आ रहा है, लेकिन इसका काम कुछ और ही है। तो इसीलिए एग्जाम में इंपोर्टेंट हो जाते हैं, और इसीलिए एग्जाम में ये आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बोल्ट टाइफून अगर पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि हैकिंग समूह ही है और चीन द्वारा समर्थित माना जाता है। इसमें खुफिया जानकारी एकत्र करने और डिजिटल क्षति पहुंचाने की क्षमता है। साथ ही संगठन मुख्य रूप से USA में सेना या सरकार से संबंधित संगठनों की जानकारी चोरी करने का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट बोल्ट टाइफून के बारे में देखते हैं कि और क्या बात की जा सकती है, उसको भी समझ लेते हैं। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने चेतावनी दिया कि बोल्ट टाइफून ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहा है जो भविष्य के संकटों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे को बाधित कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि बोल्ट टाइफून ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA और एशिया, कौन? एशिया, जो इस दोनों के माध्यम से संचार होता है उसको बीच में ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है अपने आप में। बोल्ट टाइफून इंपोर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। इस सप्ताह की हम छठवीं करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, और आप लोगों ने उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ब्लेजर, इस सप्ताह की लास्ट हमारी छठवीं करंट अफेयर ब्लेजर की बात करते हैं कि ब्लेजर क्या है। तो ब्लेजर एक प्रकार की आकाशगंगा है। आप देखो नाम से कुछ और कारनामा कुछ और, तो ब्लेजर एक प्रकार की आकाशगंगा है जिसे एक विशाल ब्लैक होल द्वारा ऊर्जा उत्पादित प्राप्त होती है। ब्लेजर क्या? एक आकाशगंगा है जिसे एक विशाल ब्लैक होल द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। क्या? ब्लेजर ब्रह्मांड में सबसे चमकदार है और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक मानी जाती है। यह गामा किरणों, एक्सरे, रेडियो तरंग सहित अत्यधिक ऊर्जावान कणों और विकिरण के उत्सर्जन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं जिससे इंपोर्टेंट हो जाए। लद्दाख के हानले में इंपोर्टेंट है, लद्दाख के हानले, ये अपने आप में चर्चा में रहा है, आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को, इसमें मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। लद्दाख में हानले इसमें स्थित भारतीय खगोली वेधशाला, कौन सी? भारतीय खगोली वेधशाला के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से लगभग 950 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ब्लेजर BL लैक्रेट का अवलोकन किया है। कितना? पृथ्वी से। ये हमारा अगर अर्थ है तो अर्थ से 950 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक स्थित ब्लेजर बिलेट लैक्रेट का अवलोकन किया हुआ है।
ओके दोस्तों, तो आज के हमारे करंट अफेयर्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थी इस सप्ताह की, छह दुनिया इस हफ्ते के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, तो लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, जिससे कि सब लोगों को हेल्पफुल हो सके। और आप लोगों ने अगर नए थे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। वीडियो पर बने रहकर आप बहुत बहुत धन्यवाद।